नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग। आज आमचा अलिबागमधील दुसरा दिवस आहे। आज आमचा प्लॅन आहे मुरुड जंजिरा किल्ला पाहण्याचा। सकाळचे 8 वाजता आहेत आणि आम्ही सर्वजण निघालो आहोत मुरुड जंजिरा किल्ला बघायला। चला तर मित्रांनो। आमचं सूरज सूरज काय काय म्हणतोय, झोप लागली का रात्री? हां, खूप जोराची खूप जोराची। कंटाळा आला होता का काल? बीचवर मजा केली का भरपूर? हां। काय आमच्या माताजी गाणे ऐकत बसलेले आहेत, मजा करताय? मयंक, हाव डू यू फील टुडे? मयंक फक्त हात वरती करून फक्त थम्सअप करतो। पायऱ्या बघा खाली। चला आम्ही निघालो आहे आता मुरुड जंजिरा फोर्ट बघायला। काय नाव सांगा तुमचं? अशफाक। अशफाक, काय काय नाश्ता मिळतो तुमच्याकडे? अस्तक म्हणजे भाजी पुरी, कांदापोहा, उसळ मिसळ, वरडसा, भुर्जी पाव, ऑमलेट पाव। किती वाजेपर्यंत चालू असतं संध्याकाळी? संध्याकाळी 7 पर्यंत। 7 पर्यंत दिवसभर चालू? सकाळी 7 ते 7 दिवसभर चालू। सकाळी 6 वाजल्यापासून का 7 वाजल्यापासून? 7 वाजल्यापासून। 6 वाजल्यापासून? बरं। मी नाश्ता केला आहे तुमच्या इथे, छान होता नाश्ता। थँक्यू। चला त्या जेवण करून, ओके जेवण करून या नंतर। जेवण करून नक्की येतो, घरगुती जेवण भेटेल। घरगुती जेवण आहे का? म्हणजे नॉनव्हेज पण मिळतं? हां, सुरमई पापलेट। सुरमई पापलेट, ओके। थँक्यू। काय म्हणताय? काय ओळखलं ना? ओळखलं।
आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं जेटी की तरफ। किले से एंट्री टिकट क्या है? इतच गए सर? हाँ इतच गए। ओके किले से एंट्री टिकट आत मध्ये घेतात ना? नक्की ना, डबल काढायला पाहिजे ना। किल्ले से एंट्री टिकट ओके। तीन पाच जण आहे आम्ही, पाच दोन पंधरा वर्षाखाली फ्री आहे। बरं चला आता लवकर स्वराज चलो, नींद आ रही है, टक्कर आ रहा है। ये देखो मयंक क्या कर रहा है, चश्मा देख रहा है। चलो मयंक बोटी मध्ये बसायचं आहे ना आता, मग इकडून थोडी ना, मग कुठून? तिकडून आहे। ते किती 10 वाजता चालू होतं का? खाली बस आहे तो असेल तर बस आहे। आगे चलो अंकल, पडशील पाठी मागे खाली बस। अरे आजी या इकडे पाय सोडून बस, तिकडे जा फिट आहे बस। आगे बाळको आता या इकडे बसून इथं मी चलतो मयंक खाली बस। नाही मला नाही बसायचं, या उभा अंकल काय बोलतोय। आणि तुम्ही थोडा तिकडे वा बेटर तो आई चवा दो लगा इकडे आवा। चलो भाई आ जा जरा, बसायचं आहे हो, उभा राहायचं ना बस, या इकडे या तो जागा कुठे आरामात मयंक स्वराज आई जरा पुढे। अरे बस की किती घेते पांडी घालून तर इकडे तोंड करून बसा। हॅलो हॅलो भाई पास देख के आपको इसी बोर्ड से रिटर्न आना है। ये बोर्ड वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों के लिए वेट करेगा, रुका रहेगा। जिस किले को आप लोग देखने के लिए आ गए, इस किले को देखने के लिए सारे लोग सर्वो लोग का एक ही गांव से नहीं आते हैं। देखो सामने पहाड़ी के नीचे गाड़ी पार्किंग है, मुरुड़ खोड़ा बंदर, इधर से भी बोट आता है। अगर कोई बोट मिस करता है उनके बोट में देखते हैं, हम लोग अपने गाँव जाते हैं, मिस करना नहीं है। ये अपने बोट का नाम है लक्ष्मी, ये बोट खुले के पास आप नहीं है, पूरी बात में वेट करेगा उनका रहेगा। किला घूमने के लिए 45 मिनट कम पड़ता है। लोग क्या करते थे, गाइड करते थे, गाइड किले के अंदर में देखने लायक 12 से 15 पॉइंट बताने का पॉइंट क्या है। तो राजा के लिए राज दरबार था, रानी के लिए शीश महल था, मंदिर था, मस्जिद था, बारूद था, नगर था,
खराब है और ये प्ले के साथ साथ प्ले के चारों ओर प्ले का बीच का बात ये इसका एंट्री गेट कहाँ पे बनाया जब तक आप लोग पास भी नहीं जाएगा इसका एंट्री गेट पता नहीं चलता है जिसकी वजह से इस किले को किसी ने जीता नहीं। ये अजिंका किला उनकर फोर्ट रह गया बड़े भाई। तो ये मालूम अंदर में गाइड से मिलती है और गाइड का हम लोग अंदर में चार्जेस करते थे, चार्जेस मिलेगा। तो आप लोगों ने जो 80 रुपये टिकट निकाला है एक कंपनी एक ट्रस्ट है महीना भरता है सोसाइटी हम लोगों को यहाँ पे सैलरी करता है। ये 8 ग्राम को करके हम लोग गाइड के आशा एक कपल फैमिली ग्रुप से भी हम लोग 600-700 रुपये का चार्ज करते थे लेकिन अभी आपको उतना पैसा देना नहीं है। आपको किले के बारे में जानकारी मालूम बताएगा लेकिन अपने मन से अपने ग्रुप से अपने ग्रुप का 200-200 रुपये देगा। ये जरूरी है जो हम लोगों से मांगी थी जंजीरा किया पानी के बीच में नहीं था वो पानी के बीच में ये गहरे का पेड़ मानी ऊपर मछुआरे लोगों का नीचे का सरकार रघुनाथ पाटिल और जिला जिला बनाया राजा का व्यापार बिजनेस खिलाने का जो गरम मसाला होता है दालचीनी लाइट का लोग उन्होंने क्या किया भाई ये मछुआरे लोगों से आइलैंड को टापू को अपने अंडर में किया और ये जजीरा किले को 1100 में बांध काम स्टार्ट हो गया और 1140 में ख़त्म हो गया। टोटल 22 साल लग गए ये किले को बनाया। किला बनाने के बाद ये राजा ने अपनी हुकूमत अपना राजपाट अपने नाम से नहीं चलाया भाई। पंजतन पांच फिर रियासत हाफसा ने जलजीरा पंजतन पांच फिर के अंदर में एक मज़ार है रियासत इनकी हुकूमत थी और हाफसा ने बोले कि तू ये आपसी लोग थे जो नॉर्थ अफ्रीका से आए थे जो काले निगरो लोग होते हैं तो उसके अमूल से जलजीरा हिंदी मराठी में पानी को जल कहते हैं। जीरा एक आइलैंड में टापू टिकड़ी खर्ब होता है जिसे उर्दू लैंग्वेज में अल जजीरा कहते हैं जिसे हम लोगों ने पॉपुलर फेमस किया मुरूज जजीरा के नाम से। देखो इतना पास में आ गए उसका चीटा को बार बार पर कुछ नहीं होगा इतना पास में आने के बाद इसका एंट्री गेट कहाँ पे बनाया जब तक ये दिखाई नहीं देता है भाई जिसकी वजह से इस किले को किसी ने जीता नहीं में दो नाम के राजा होके चले गए। एक सिद्दी जोहर था मुगल सल्तनत का जो बनालगढ़ के अंदर में बेरा डाल के बैठा था जिसका किला अपने महाराज ने 1662 में जीता था। यार दो होके चले गए एक मुगल सल्तनत का जिसका महाराज ये 11वीं सदी और ये 16वीं सदी ये फर्क ऐसा है। देखो इतना पास में आ गया इसका एंट्री गेट पता नहीं चलता है भाई जिसकी वजह से इस किले को किसी ने जीता नहीं। तो इस किले को जीतने के लिए भाई बहुत से राजा महाराजों ने ट्राई किया। सबसे ज़्यादा ट्राई करने वाले थे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे धर्मवीर संभाजी महाराज ने इसी किले के अपोजिट में किला बनाया उस किले का नाम रखा पद्मदुर कासा किला जो आप लोग किले से अंदर जाने के बाद अपोजिट में किले को देख सकते हैं। बड़े पद्मदुर कासा किला महाराज का है जो कि जंजीरा किला जीतने के लिए बनवाए थे। और ये किले का खास बात है कि इसका एंट्री गेट कहाँ पे बनाया जब तक आप लोग पास नहीं जाएंगे इसका एंट्री गेट पता नहीं चलता है जिसकी वजह से इस किले को किसी ने जीता नहीं। और पद्मदुर कासा किला जो इसी किले के अपोजिट में है देखो पानी के बीच में यहाँ पे आपको पत्थर दिखाई देता है ना बड़े भाई पानी में जो पत्थर महाराज ने यहाँ पे सेतु बन जैसा एक खाड़ी बन डलवाया इस किले के ऊपर में अटैक करने का प्लान किया। बस उसी टाइमिंग में वक्त में जब औरंगजेब ने रायगढ़ किले पे हमला किया तो महाराज यहाँ पे अपनी मुई माधुरी छोड़ के चले गए जिसकी वजह से उन्होंने इस किले को नहीं जीते। अब ये गांव के अंदर में देखो पत्थरों का टूटा हुआ दीवार है नाला सारा कले डगरांची बीतम पा। बड़े भाई इस किले को देखने के लिए आप लोग बोट में बैठ के आ गया ना भाई उस जमाने में किले के अंदर से एक रास्ता बनाया था अंडरग्राउंड टनल जिसे मुहियार मर कहते मुफिया रास्ता भाई जो किले के अंदर से ये पानी के नीचे से वहाँ पे निकलता था। देखो सामने में ऊपर में बड़ी तोप है ये अपने हिंदुस्तान के अंदर में माना गया 3 नंबर का तोप है कैनेन जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी जो अपने हिंदुस्तान में 3 नंबर पे भाई पहला नंबर का तोप कहाँ पे बीजापुर साइड में मुलुक मैदान तोप है देवगढ़ किले में 2 नंबर पे दौलत
बस अड्डे में मीठा तोहफे गोलकुंडा फोर्ट में और तीन नंबर का कलाल बांगड़ी, उसी के बाजू में छोटा तोहफे गायमुगा और थर्ड वाला तोहफ चावड़ी। आप लोग किले के अंदर में एंट्री करेगा आपको रास्ता कैसे पता चलेगा भाई? तो आप लोग अंदर एंट्री करने के बाद आपको दरगाह है, समाधि है पीरांची, वहाँ से आपको राइट साइड में जाने का ये ऊपर में जो तोप है ये तोप के पास आप लोग जाएगा भाई। ऊपर का तोप देखने के बाद फर्स्ट वाला जो वॉच टावर है टहली ब्रिज जिसे कहते हैं ना भाई, ये राउंड वाला दीवार सर्कल वाला फर्स्ट सेकंड और थर्ड वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ से आपको अपोजिट का किला दिखेगा महाराज का बदमदूर कासा किला, उस किले को देख के उसी वॉच टावर से आपको नीचे उतरना है। तो आप लोग मीठे पानी के तालाब के पास जाएगा जो 60 फीट गहरा है। किले के अंदर मीठा पानी कैसे आ गया तो भाई ये जितना भी किला बनाने के लिए पत्थर का यूज किया, यहाँ पे जो आइलैंड था टेकड़ी से कटिंग किया, पत्थर निकाल के किला बनाने यूज किया। जब पत्थरों का यहाँ पे कटिंग करने का वो जमीन के लेवल में डीप में चले गए तो जमीन के अंदर से पानी के झरे लग गए, अंदर में तालाब बनाए तो मीठे पानी का तालाब देखेंगे। उसी के बाजू में ऊपर चढ़ने के लिए 122 से 125 तक के लिए सीढ़ी है, इसे बाले किला कहते हैं। 22 एकड़ किला घूम नहीं सकता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद किले के चारों बाजू का व्यू पूरा बैकग्राउंड दिखाई देता है, लोकेशन अच्छा है भाई। वहाँ से नीचे उतरेगा आप लोग तो एक राजा का राज दरबार है, जो 3 फ्लोर का बिल्डिंग है जो आप लोग अंदर में देखेगा, उसी के बाजू में मंदिर था मस्जिद था और गेट के अंदर में आप लोग रिटर्न आएगा। तो गेट में आने के बाद और उतरते समय भी आपको वहाँ पे दीवारों पे एक मोहर एक चित्र आकार दिखेगा, एक शेर और 6 हाथी। अपने हिंदुस्तान का राजमुद्र क्या है? एक अशोक चक्र और 4 सिया है। जब किले पे इनकी हुकूमत थी इन लोगों का राजमुद्र होने का एक शेर और 6 हाथी जो आप लोग उतरने के बाद देखेगा। देखो इसका इतिहास गवाह है भाई, ये पानी की जो लहरें होती है लाटे ये टकराने के बाद तटबंदी का पत्थर डैमेज हो के अंदर चला गया, लेकिन इसका ज्वाइंट ने बांधकाम ने मटेरियल अपनी जगह नहीं छोड़ा। तो वैसे इसके बांधकाम में मटेरियल क्या है भाई? अंबुजा सीमेंट नहीं है, चून कड़ी का चूना है, गुड़ गन्ने का जो अपन खाते हैं। चलो 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 एक हाथ पलिक होता है बोट लग गया नीचे जम क्या है जम अंदर काय केलं जम के इकडे ऊपर जाऊ इकडून जायचं का? पहिला नाही चला किल्ला बघा बघा बिचलं होती गॅस आपल्या बरोबर आठवत राईटला जावा बोलला ना तो राईट साईडला तिकडे वरती बघू नये एवढ्यावर नाही तिकडे राईट इकडे कुठं जाता
अच्छा अच्छा इकडे जायला काय आहे का मार्ग असेल मग या पायऱ्या वगैरे दिसत आहे. मयम इकडून इकडून सगळ्यांच्या बरोबर थांब. आता कुठे जायचं नाही, साईड नको बदलू. इकडे इकडे जायचं का वरती गावात दुसरा जो ग्रुप आहे ना गाववाल्यांचा ग्रुप आहे. शिवाजी महाराजांनी बनवलं आहे, सिद्धीने फोटो बनवला आहे, शिवाजी महाराजांनी बनवलं. खूप विचित्र जायचं. एवढं कुठे गेली? नाही आपल्या मागे होती ना. हा हीच आहे ती, हीच आहे ती. नाही नाही शिवाजी महाराजांनी नाही बोलत ना, सिद्धी जोर. अरे जमणार आहे का? एकदम हळूहळू चढायची, थांबायचं. एक पायरी चढली की थोडस बरं का, एकदम धान 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 चढत नाही जायचं. एक पायरी चढली की थोडासा गॅप घ्यायचा, स्लाइटली पॉज घ्यायचा. ऍक्च्युली हेच आहे महत्वाचं. पहिलं कोण इकडे 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 पण जाऊन इकडे पहिलं. हा इकडे इकडेच महत्वाचं. किती वर्षाची आहे? तीच अशी कॅनम बघ गेली सगळ्यात मोठी. तोफेवर बसू नये. तोफेवर बसू नये. भंगार झालंय सगळं, पडलंय. हेच बघून माझं काय. अच्छा वरनं काय वाटतं बघायचं? तिकडून एक पोट दिसतोय ना अजून. ते संभाजी तुझा ना ते कॅननच्या शेजारीच फोटो काढायचे. गरज नाहीच आहे एकदम कॅपची. केस उडतात सारखी हो ना, जरा टाईट कर. नाही Thank you.
काय नाही पुढे तसंच जायचं आहे पुढे असं राऊंड मारायचं इथले फोटो फक्त काढून हो आलो आलो थांबा आणि तिकडे जाऊ नका लेफ्टला इथपर्यंत जाऊन यायचं आहे आपल्याला ठीक आहे तिथून खाली उतरत यायचं वरून खाली आल्यानंतर बघणार ना आपण ते कॅनन म्हणायचं की आनंद तो आणि हे बघ
बघा आतमध्ये तो गोड्या पाण्याचं तलाव बोलतात ना, दिसला का तो तलाव म्हणजे तळ राईट साइडला पकडून उतरा, राईट साइडला पकडून उतरा, इकडे नाही रे इकडे जायचंय, डायरेक्शन चुकीची पकडू नको, खालीच जायचंय वाटणं परत, तिथून वरती जायचं होतं ना डायरेक्ट इकडे असेल ना, हो का पुढे नाही चला इथं खाली उतरायला आहे इथे कामाचं नाही चिड काय नसत, सेल्फी मारायचा सोडून द्यायचा विषय, आता कोणाला रिक्वेस्ट करत बसायची नाही, सगळ्यांचा विषयच सोडून दे तुझं तो घे, चढायचा मित्रायचं खालत बाबा, सूरज कुठे आहे खाली गेला, कुठे गेलाय तुम्ही दोघ, बर चला आपल्याला वरती जायचं, टिकवायला पाहिजे होते सगळं खिडणार करून जाते, गव्हर्नमेंट पण काही करत नाही आश्चर्य पाहिजे ना, एवढे मग वरती जायचं ना, तिकडे कुठे चाललंय परत, शॉर्ट घालायची होतीस ना, माला नाही पकडायली आता दगडाचा रस, मावशी पाणी फ्री आहे का, द्या एक ग्लास, 8 वाजे चालू आहे माझं, 8 वाजे मग पोहोचू, 8 वाजे पहिले पोहोचू, 5 वाजे निघाले दिवस, एवढा भरून नका दिला मी त्याला, आमचं डिलिव्हरीचा टाइम आहे ना, दोघं भरून मला हा 7 वाजताच्या आधी पोहोचत, 7 वाजता टाइम दिले जा की बाबा
ये पॉन्ड बग बेबी मीठे पानी का तालाब समुद्र के बीचों बीच निमिषा वरतून चांगलं दिसतंय तुला काय घालायचं लक देखिए हमारी माता जी मुरुड़ जंजीरा किला चढ़ रही है गोप्रो अच्छी चल रही है अरे देखिए हमारी धर्मपत्नी किला चढ़ रही है बहुत थक चुके हैं ऐसा दिख रहा है अरे तुला सांगितलं मी इथून चांगलं दिसतंय बघ ना तू ते तिथून बघितलं ना त्याच्यापेक्षा डबल इथून चांगलं दिसतं फोटो काढू आपण येताना निमिषा इथं आधी वरचा टॉप आपण फिनिश करून येऊ मग उतरताना काय वाटत नाही चालेल बसायचं सावलीला बस जा खाली पाणी पण आहे तिथं पाणी पिऊ शकते का आराम अरे तो गोप्रो राहू दे आहे मोबाईल चालू गोप्रो आय दे बर दे घाम निघतोय स्वराज तर पळतोय जोर जोरात वरती हा येस कुठे तसं पळू नको पळू नको पायरे चढ फक्त आलो आपण वरती झालं आलो वरती
बरं दिसला तो फोर्ट तो फोर्ट संभाजी महाराजांनी बनवण्याचा प्रयत्न केला. गैंग तो स्ट्रांग है. कुठे पोहोचायला? तिकडे. हो ठीक आहे ना.
पानी से एक एक ग्लास घ्या पिऊन मावशीने आपली चांगली सोय केली. द्या मला एक ग्लास. काय नाव मावशी तुमचं? माझं नाव शुभांगी. शुभांगी. हे कुठून आणता पाणी तुम्ही? विहिरीचं का? इथं किल्ल्यावरच आहे. दोन तलाव आहे, दोन विहिरी आहे. तिकडे मागे आहे, त्याचं पाणी पिण्यासाठी वापरतो. आणि ते पलीकडे किल्ला दिसतो का? सम पद्मदुर्ग. ओके. मुरुडवरून जातात. मुरुड गाव आहे ना? पण पाण्यात नाही. हो पाणी. मुरुड बीच आहे ना, तिथे बोटे असतात. पाणी पिऊन घ्या एक एक ग्लास. पाणी पिऊन घ्या. सरस पाणी पिला. एक एक ग्लास पाणी. हा घ्या बॉटल भरून. गार म्हणजे एकदम चिल पण नाही पण गार चांगलं आहे. चांगलं आहे पाणी. आता मग चारही बाजूला समुद्र आहे. हो हो. छान छान. इसको उतरने दे. मयंक क्या कर रहा है? हाँ मयंक. यह है स्वराज.
एंजॉय कर रहे हैं। अभी लेने जा रहे हैं, आज हमारा प्लान है राइड्स लेने का, चलो चलते हैं राइड्स के लिए। कौन सी राइड पहली मजा आली का? एन्जॉय तुझ्या कॅमेराने कॅमेरा आहे बस बस टिक 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 करत जायचं फटाफट हा चालवतच घ्या तुम्ही स्वतः चालवतोय का नको नको पायावर पायावर जोर द्यायचा पायावर पायावर जोर द्यायचा चलो तो गाइस हम लोग अभी कर रहे हैं घोड़े की सवारी। दादा नाम क्या बोला? निखिल के साथ हम लोग घोड़े की सवारी कर रहे हैं। अरे दोनों घोड़ा घोड़े का नाम क्या है? इसका सुल्तान है। एक घोड़े का नाम है सुल्तान जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ और दूसरा लक्की और दूसरा है लक्की जिसके ऊपर निमिषा बैठी है।
तुम्ही बघ क्या आपल्यामध्ये घ्या दोघांचा एकत्र दिसतेस असं पाय ना जरा कॅमेरा लॉस पकडून ठेवायचं दाब खाली भरपूर मजा येते का मग रेड वरती एकदम पुढे नको नाही होत दादा खाली काकाच आहे ना
ऑटो राईडमध्ये चार पाच वर्ष झाले. काय रिस्क वाटलं का? मजा येतो. अरे वा वा, इकडे इकडे. तीनशे रुपये द्या दादाला. मार उडे जरा. अजून आपल्याला उद्याचा एक दिवस काढायचं आहे, त्याच्या अगोदर रिस्क नको. माहिती आहे मला काय होणार नाही, नकोच. मोठी लाट आली, मोठी. मिठाचं पाणी लागेल घाण. मोठी लाट. शूटिंग चाललंय. विचारलं